देशभर में कोविड-19 के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं, जो आम जनता के लिए एक चिंता का सबक है। आम जनता लगातार अभी इस चीज को लेकर चिंतित हो रही है कि क्या जो कोविड-19 दो साल पहले महामारी देखने को मिली, क्या एक बार फिर से कोविड-19 उसी तरह घातक रूप में दस्तक देने वाला है। अब लगातार इस पर कई ना कई सवाल उठ रहे हैं और इस समय क्या कुछ जो है वो कहते नजर आ रही है न्यूज रिपोर्ट्स। इनकी बात करें तो देश में पहली बार की तरह फिर से कोरोना के मामले में जो है वो लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक बात करें तो देश में पिछले 24 घंटों की बात की जाए तो अभी से पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 614 नए मामले जो हैं वो सामने आए हैं और इसके बाद ही देश में फिर से कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इसके साथ ही साथ जो है आपको बता दें, स्वास्थ्य मंत्रालय की बात करें यानी कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जो जारी किए गए आंकड़े हैं उनके मुताबिक भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 614 नए मामले जो है वो सामने आए हैं, जिसे लेकर अब लगातार चिंताएं जो है वो भी बढ़ती जा रही है। 21 मई के बाद जो है कोरोना के आंकड़े लगातार कम हो गए थे, 21 मई के बाद से जो इतने आंकड़े जो है वो नहीं देखे गए हैं जो पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड किए गए हैं। एक्टिव मामले भी लगातार सामने आ रहे हैं और फिलहाल जो है इसके साथ ही जो देश में एक्टिव मामलों की संख्या है वो 2311 है, यानी कि 2311 जो है वो मामले लगातार निकलकर सामने आ रहे हैं। फिलहाल उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड को जो है वो हाई अलर्ट पर कर दिया गया है कोरोना के मामलों को देखते हुए। केरल में 3 लोगों की इसके चलते मौत हो गई है। और इसी के साथ साथ आपको ये भी बता दूं कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार केरल में पिछले 24 घंटे के दौरान 3 लोगों की कोविड-19 से मौत हो गई है। अब लगातार ही चिंता का सबक बनता जा रहा है और लोग इस चीज से काफी ज्यादा परेशान है क्योंकि कोविड-19 एक बार फिर दस्तक दे चुका है। हालांकि कोविड-19 पूरी तरह से पहले भी खत्म नहीं हुआ था, अगर आप यूं नहीं कह सकते हैं कि कोविड-19 जो है वो पहले पूरी तरह से खत्म हो गया था, कहीं ना कहीं मामले जो है वो सामने आते थे, पर पिछले 24 घंटों में जो रिकॉर्ड किए गए मामले हैं उन मामलों की बात करें तो वो लगातार जो है वो बढ़ते ही जा रहे हैं। इसी बीच में आपको ये भी बता दूं जो मामले हैं वो 614 नए मामले निकलकर सामने आए हैं। मृत और बता दें कि देश भर में कोरोना वायरस से जो मृतक हैं उनके आंकड़े जो है वो 5,33,000 को जो है वो क्रॉस कर चुके हैं और 321 जो है वो इसमें लगातार जो है मामले निकलकर सामने आए हैं, जिन लोगों की मौत भी इसमें हुई है। अब आपको बता दें 220 करोड़ लोगों की जो है वो वैक्सीनेशन अभी तक की गई है, जो स्वास्थ्य मंत्रालय आंकड़े बताता है उसके मुताबिक अभी तक 220 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनकी इसमें वैक्सीनेशन जो है वो पूरी तरह से हुई है। पर आपको बता दें लगातार जो है बढ़ रहे मामले हैं ये चिंता का सबक बनते जा रहे हैं और लोगों में फिर से एक भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है। हालांकि आप लोग जानते हैं कि कोविड-19 जब एक समय पर पीक पर था तो किन किन चीजों का, किन किन SOPs का जो है वो फॉलो किया गया था, उन चीजों को ध्यान में रखा गया था। आप लोगों को घबराने की इसमें बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप लोग जानते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो मेंटेन करनी है, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है। इसके अलावा जो है वो आपको हाथों को टाइम टाइम पर सैनिटाइज करना है, मास्क का प्रयोग करना है, सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करना है। तो आप लोग जानते हैं कि कोई भी नई चीज नहीं है जो आपके ध्यान में लाने वाली हो, तो इन तमाम चीजों को देखते हुए आप लोग भी जो है वो सतर्क रहें क्योंकि मामले लगातार बढ़ रहे हैं। उत्तराखंड जैसे इलाके को आपको बता दें फिलहाल हाई अलर्ट पर रखा गया है, तो आप अंदाजा लगा लें लगातार ये बढ़ते ही जा रहे हैं मामले। पिछले 24 घंटे में 3 लोगों की मौत हो चुकी है केरल में, उसके बाद अभी तक जो है पिछले 24 घंटे में 614 नए मामले जो है वो रिकॉर्ड किए गए हैं। लोगों को ऐसे लक्षण पाए जा रहे हैं जिनमें कोविड-19 की, जैसे आपको बता दें जो लोग कोविड-19 की चपेट में आ रहे हैं, आप लोगों को सतर्क सावधान रहने की जरूरत है। बन रहा है आप आगे की अपडेट्स के लिए ऑल टाइम्स के साथ। जय हिंद।